अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फरजाना मोहसिन ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप के खैरियत से है। तो आज मैं मिक्स वेजिटेबल बनाने जा रही हूँ। बहुत ही सिंपल एंड डिलीशियस है। और ये है कुछ सामान जो मुझे चाहिए। ये सोया सॉस चाहिए होगी, फिर थोड़ा सा कॉलीफ्लावर एंड कैबेज, आलू, कैरेट, जो जो वेजिटेबल आप पसंद है आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे है ब्लैक पेपर एंड क्यूमिन पाउडर, और ऑनियन है, एक मीडियम अनियन ले लिया मैंने, और थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन है और ऑयल है। चलते हैं कुकिंग की तरफ। तो मैंने फ्राई पैन ले लिया। फ्राई पैन में 1.5 टेबल स्पून ऑयल डाल दी और मैं अनियन डाल दूँगी। ऑनियन को फ्राई कर लूँगी अच्छे से। तो 1 teaspoon सॉल्ट डाल दूँगी, आप अपने टेस्ट के मुताबिक सॉल्ट डाल। छोटे छोटे करके काट के रखी हुई थी सारे मेरे वेजिटेबल्स, मिक्स वेजिटेबल्स है। तो आप यहाँ पे ब्रोकली भी डाल सकते हैं और भी बहुत सारे वेजिटेबल्स ऐसे हैं कि आप डाल सकते हैं, लेकिन ये 3-4 वेजिटेबल्स है जिसके साथ अच्छा लगता है ये। तो बनाया, ट्राई करें, बहुत मज़े की बनते हैं। तो इनको थोड़ा सा मिक्स करके मैं यहाँ पे ब्लैक पेपर डाल दूँगी, 1/2 teaspoon ब्लैक पेपर और 1/2 teaspoon क्रश्ड क्यूमिन डाल दूँगी मैं यहाँ पे। और 1 teaspoon डाल दूँगी सोया सॉस। अच्छे से मिक्स कर लूँ। मिक्स करके इनको कुक करने के लिए रख दूँगी, 50% तक कुक करूँगी। इसके बाद में आलू डाल दूँगी। तो अच्छे से मिक्स करके इसको भी कुक करने के लिए रख दूँगी 20-30 मिनट्स के लिए। अब मैं यहाँ पे 1 teaspoon कॉर्नस्टार्च ले लिया, जिसको मैं पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करके फिर मैं वेजिटेबल्स में डाल दूँगी। ये ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं। ये थोड़ा सा अगर आपको चाहिए क्रीमी क्रीमी सा टेस्ट तो ये आप डाल सकते हैं, अगर नहीं चाहिए तो ना भी डालें तो कोई बात नहीं। तो मिक्स कर लूँगी अच्छे से। मिक्स करके फिर ढक के रख दूँगी मैं इसको कुक करने के लिए। कर दूँगी और आप काट के या होल ग्रीन चिलीस भी डाल सकते हैं। तो बेसिकली बच्चों के लिए तो मैंने ग्रीन चिलीस नहीं डाली है, बच्चों ने भी खाना है तो इसलिए नहीं डाली थी। तो तैयार हो गया मेरे मिक्स वेजिटेबल। तो बहुत मज़े की बनते, ट्राई कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक्स, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे वीडियो को। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।